गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू संस्कारम वीडियो लेक्चर सीरीज वन, क्लास थर्ड, सब्जेक्ट एसएस। ओके, टुडे वी डिस्कस अबाउट बीइंग सेफ, कि हम सुरक्षित कैसे रह सकते हैं। एक्सीडेंट्स कैन हार्म एनीवेयर, लाइक स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, होम। आप कहीं भी आपको चोट लग सकती है, कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज उसके लिए हम कुछ ऐसे पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करेंगे कि आप अपने आप को कैसे सेफ रख सकते हो अलग अलग प्लेसेस पर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट एट होम। आज हम आपको कुछ सेफ्टी के रूल्स बता रहे हैं कि आप अपनी सेफ्टी कैसे कर सकते हो। तो उसके लिए हम सबसे पहले जो डिस्कशन करेंगे वो कौन सा है हमारा, एट होम, कि घर पर आप अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नॉट रन ऑन ए वेट फ्लोर। आपके घर पर जो गीला फर्श होता है उस पर हमें दौड़ना नहीं चाहिए। आप फिसल जाओगे, गिर जाओगे, आपको चोट लग जाएगी। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको क्या बताया है, वी शुड नॉट रन ऑन ए वेट फ्लोर। हमें जो गीला फर्श होता है उस पर दौड़ना नहीं चाहिए। सेकंड है, वी शुड नॉट प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक ब्लेड्स, सीजर्स। जो ब्लेड शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो नुकीले तेज धार वाले जो ऑब्जेक्ट्स आपके घर में हैं, जो चीज़ें हैं आपके घर में, उनसे आपको नहीं खेलना चाहिए। जैसे कि ब्लेड्स हैं, सीजर है, इन सब से आपको खेलना नहीं चाहिए। ये आपको क्या कर देंगे, हार्म कर देंगे। थर्ड पॉइंट है, वी शुड नॉट प्ले विद इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड स्विचेस। इलेक्ट्रिकल वायर होते हैं ना, तार होते हैं बिजली के, उनके साथ आपको नहीं खेलना चाहिए। उनमें करंट आ जाएगा जिससे आपको चोट पहुँचेगी। वी शुड नॉट टच हॉट ऑब्जेक्ट्स लाइक हीटर्स एंड बर्निंग गैस। चलती हुई गैस को या फिर हीटर को या और कोई भी जो गर्म चीज़ें जो आपके घर में हैं जिनसे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, वो सब चीज़ें हमें टच नहीं करनी चाहिए। दैट कैन बी हार्म। वी शुड नॉट ओपन द डोर टू स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स जो अद्भुत, मतलब जो अजीब, जो बेपहचान वाले लोग होते हैं जिनको हम नहीं जानते, ठीक है, उन लोगों के लिए हमें अपने घर के दरवाजे क्या करना चाहिए, सबसे पहले अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहिए या फिर जो उसे पूछना चाहिए कि आप कौन हैं, आपको किससे मिलना है, उसके बाद आप अपने पेरेंट्स को बताएंगे, उसके बाद ही आप दरवाज़ा खोलेंगे। अदरवाइज यू शुड नॉट ओपन द डोर फॉर एनी स्ट्रेंजर। किसी भी स्ट्रेंजर के लिए आप अपना डोर ओपन नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हमने किस चीज़ के लिए रीड किया है कि एट होम हाउ वी कैन सेफ, कि घर पर हम अपने आप को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है एट स्कूल। आप डेली स्कूल जाते हैं, आप अपने आप को स्कूल में किस तरह से सेफ रख सकते हैं, क्योंकि वहां आपके पास आपके पेरेंट्स नहीं होते, ठीक है। वहां कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की बनती है कि यहां पर आप अपने आप को कैसे सेफ रख सकते हो। सबसे फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगी, वी शुड नॉट रन अप एंड डाउन द स्टेयर्स। से आपको बार बार ऊपर चढ़कर या नीचे जाकर दौड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। बार बार जैसे आप स्टेयर्स पे भाग के चढ़ रहे हो, फिर भाग के आप स्टेयर से उतर रहे हो, तो वो बार बार आपको नहीं करना चाहिए। नॉट अप एंड डाउन द स्टेयर्स। हमें जो स्टेयर्स हैं उन पर बार बार दौड़ना नहीं चाहिए। वी शुड नॉट जम्प ऑन डेस्क्स एंड चेयर्स। आपके क्लासेस में डेस्क्स डले हुए होते हैं, चेयर्स डली हुई होती हैं, आप उन पर जंप करते हैं ना, तो वो सब आपको नहीं करना चाहिए। दैट कैन बी हार्मफुल फॉर यू। वो भी आपको, मतलब आप नुकसान देगा, अगर आप डेस्क से गिर जाएंगे तो आपको चोट पहुंचेगी। तो वी शुड नॉट जंप ऑन डेस्क्स एंड चेयर्स। जो डेस्क्स होते हैं या चेयर्स होती हैं उन पर हमें दौड़ना नहीं चाहिए। थर्ड है, वी शुड नॉट पुश ईच अदर इन द क्लासरूम और इन द प्ले राउंड। पुश मतलब धकेलना, हमें एक दूसरे को धक्का नहीं लगाना चाहिए जब हम क्लासरूम में हैं या फिर प्ले ग्राउंड में हैं या किसी भी प्लेस पर हैं। हमें किसी दूसरे को धक्का लगा के आगे जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वी शुड ऑलवेज फॉलो स्कूल रूल।
जो आपके स्कूल के रूल्स होते हैं, जो आपके टीचर्स ने, आपके प्रिंसिपल ने जो भी रूल्स आपको अपने स्कूल के बता रखे हैं, उन सबको हमें क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। हमें जो हमारे स्कूल के रूल्स हैं उनका फॉलो करना चाहिए, उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही हमें काम करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज टेल आवर क्लास टीचर और प्रिंसिपल अबाउट पीपल हु मेक अस फील अनकम्फर्टेबल एट स्कूल। व्हाट डू मीन बाय अनकम्फर्टेबल? अनकम्फर्टेबल होता है जहाँ पर आप किसी के साथ अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो, आप आरामदायक महसूस नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आप को फील हो रहा है कि मैं इसके साथ अनकम्फर्टेबल हूँ या ये मुझे परेशान कर रहा है कोई भी, तो आप सबसे पहले अपने क्लास टीचर को बताएंगे। सबसे पहले किसको बतानी चाहिए? कोई भी बात है आपकी, हर बात आपको सबसे पहले अपने क्लास टीचर को बतानी चाहिए, क्योंकि क्लास टीचर ही ऐसा होता है जो आपकी हर बात को अच्छे से समझ सकता है। तो सबसे पहले हर बात वी टेल आवर क्लास टीचर, आफ्टर दैट वी टेल आवर प्रिंसिपल। हमें अपने क्लास टीचर को या फिर प्रिंसिपल को बतानी चाहिए कि सर हमें, या सर मैडम जो भी है, हमें ये प्रॉब्लम है और ऐसे ऐसे हम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, तो हमें अभी सेकंड पॉइंट हमने किया है एट स्कूल, कि हम स्कूल में कैसे कैसे अपने आप को सेफ रख सकते हैं। अवर थर्ड पॉइंट इज ऑन द रोड, जो रोड होते हैं, रोड पर जब हम चलते रहते हैं तो हाउ कैन वी सेफ, अपने आप को हम कैसे सेफ रख सकते हैं। ऐसे तो है नहीं कि रोड पे हम सीधा दौड़ देंगे, सीधा दौड़ेंगे तो क्या होगा, चोट पहुंचेगी हमें। तो ऑन द रोड, हाउ कैन वी सेफ ऑन द रोड, रोड पर हम अपने आप को कैसे सेफ रख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, वी शुड ऑलवेज क्रॉस द रोड विद एन एल्डर। एल्डर जो हमारे बड़े होते हैं, उनके साथ हमें क्या करना चाहिए, रोड को क्रॉस करना चाहिए। हमें अकेले भागकर रोड को क्रॉस नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा हमारे जो बड़े होते हैं उनके साथ रोड को क्रॉस करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, जो ट्रैफिक रूल्स होते हैं हमें उनका फॉलो करना चाहिए। थर्ड पॉइंट है, वी शुड नॉट थ्रो फ्रूट्स पील एंड गार्बेज ऑन द रोड। फ्रूट पील, व्हाट डू मीन बाय फ्रूट पील? जो फ्रूट्स के छिलके होते हैं वो हमें सड़क पर नहीं डालने चाहिए। एंड गार्बेज, गार्बेज मतलब कूड़ा, जो हमारा कूड़ा करकट होता है, जो गंदगी होती है, वो हमें रोड पर नहीं फेंकनी चाहिए। तो वी शुड नॉट थ्रो फ्रूट पील एंड गार्बेज ऑन द रोड, रोड पर हमें कभी भी फ्रूट पील और गार्बेज को नहीं फेंकना है। फोर्थ है, वी शुड नेवर राइड ए बाइसिकल ऑन द मेन रोड, जो मेन रोड होता है जहाँ से ज़्यादा ट्रैफिक्स निकलते हैं, उस रोड पर हमें कभी भी साइकिल नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि हम छोटे हैं, हमें अपने आप को सेफ करना, वहाँ से बचना नहीं आएगा जिससे हमें चोट पहुँच जाएगी, ठीक है। तो इसलिए वी शुड नेवर राइड बाइसिकल ऑन द मेन रोड, जो मेन रोड होता है उस पर हमें कभी भी बाइसिकल नहीं चलानी चाहिए। एंड वी शुड नेवर टेक आउट आवर हैंड्स और हेड्स आउट ऑफ द विंडो। जब भी आप किसी ट्रैफिक में ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें कभी भी अपना हाथ ऐसे बाहर नहीं निकालना चाहिए, या अपना सिर जो है वो हमें बाहर नहीं निकालना चाहिए, दैट कैन बी हार्मफुल फॉर अस। ओके, आप स्कूल की बस में बैठे हैं तो आराम से बैठिए, अपने जो आपके हैंड्स हैं या जो आपका हेड है ऐसे बाहर बार बार उसको ना निकालें। तो वी शुड नॉट आउट आवर हैंड्स और हेड्स आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर हमें अपने हाथ और अपना सिर नहीं निकालना है। एट पब्लिक प्लेसेस, अब तक हमने किया कि हम ऑन द रोड कैसे सेफ रह सकते हैं, अब हम करेंगे एट पब्लिक प्लेस, जो पब्लिक प्लेस होता है वहाँ पर हम अपने आप को कैसे सेफ रख सकते हैं। फर्स्ट है, वी शुड नॉट पुश अदर्स व्हाइल प्लेइंग। कोई भी पब्लिक प्लेस होता है, वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, वहाँ पर भी जैसे अभी एट स्कूल का जो मैंने आपको बताया था कि स्कूल में हमें एक दूसरे को धक्का नहीं लगाना चाहिए, जो हमारे स्टूडेंट हमारे साथ, जो हमारे सहपाठी खेल रहे हैं उनको हमें नहीं धक्का लगाना चाहिए, वैसे ही वी शुड नॉट पुश अदर व्हाइल प्लेइंग। ऐसे ही जब हम किसी पब्लिक प्लेस पर अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहे हैं तो उनको एक दूसरे को हमें धक्का नहीं लगाना चाहिए, कोई गिर जाएगा, किसी को चोट लग जाएगी। तो वी शुड नेवर पुश अदर्स वाइल प्लेइंग। सेकेंड, वी शुड नॉट गो नियर बिहीव्स।
जब आप किसी पब्लिक प्लेस पर खेलने के लिए जाते हैं, हो सकता है वहाँ पर मधुमक्खी ने कोई छत्ता बना रखा हो, और इसलिए आपको जो भी वहाँ पर बिहेव्स है उससे क्या रहना चाहिए, हमें दूर रहना चाहिए, उसके आसपास भी हमें नहीं खेलना चाहिए, दैट कैन बी हार्मफुल फॉर अस। थर्ड है, वी शुड नॉट प्ले इन कॉर्नर्स। मतलब जैसे आप किसी पब्लिक प्लेस पर खेल रहे हो तो आपको कहीं भी लोनली, मतलब कहीं अकेला जाकर नहीं खेलना है, जहाँ पर सब लोग खेल रहे हैं हमें उनके साथ, उनके आसपास ही इकट्ठे होकर खेलना चाहिए, क्योंकि अगर आप अकेले कहीं खेल रहे हैं तो कोई भी स्ट्रेंजर आपको हार्म कर सकता है। इसलिए वी शुड नॉट प्ले इन कॉर्नर्स, हमें भी कहीं भी कॉर्नर पर खेलना नहीं चाहिए। फोर्थ है, वी शुड नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स जो, जिन लोगों को हम नहीं जानते, जो हमारे लिए अजनबी हैं। व्हाट डू मीन बाय स्ट्रेंजर्स? अजनबी, जो अजनबी लोग हैं जिनको हम नहीं जानते, उनसे ना तो हमें कोई चीज़ लेनी चाहिए और ना ही उनसे हमें ज़्यादा बातचीत करनी चाहिए। अब हम करेंगे जो एट ए स्विमिंग पूल, के स्विमिंग पूल पर आप अपने आप को कैसे सेफ रख सकते हैं। स्विमिंग पूल जो होता है उसमें फर्स्ट पॉइंट हम लेंगे, वी शुड एंटर ए स्विमिंग पूल ओनली व्हेन देयर इज एन एल्डर। जब हमारे साथ कोई बड़ा हो, हमारे साथ जो हमें स्विमिंग सिखाने वाला है या फिर जो हमारे एल्डर हैं, वो अगर हमारे साथ हैं उसी टाइम हमें स्विमिंग करनी चाहिए, अदरवाइज हमें स्विमिंग पूल में एंटर ना चाहिए। सेकेंड है, वी शुड ऑलवेज यूज आवर सेफ्टी ट्यूब एंड अंडर वाटर गूगल्स। जो हमारे सेफ्टी ट्यूब होती है हमारी जो स्विमिंग करने के लिए, वो यूज करनी चाहिए, और हमें अंडर वाटर जो हमारे गूगल्स होते हैं वो यूज करने चाहिए। ओके, तो आज हमने जो रीड किया है वो हमने रीड किया है कि हाउ कैन बी सेफ एट स्कूल, एट पब्लिक प्लेसेस, एट स्विमिंग पूल, के अलग अलग प्लेसेस पर हम अपने आप को कैसे सेफ रख सकते हैं। ओके, नाउ आई फिनिश माय टॉपिक, टुमारो वी विल कंटिन्यू। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।